नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें, सेव वाटर। मुरादाबाद में एक रंगीन मिजाज सब इंस्पेक्टर पर थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को गैर मुनासिब मैसेज करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया पत्र भी एसएसपी मुरादाबाद को डाक के माध्यम से मिला है। पत्र में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसआई जितेंद्र कुमार को निलंबित कर पूरे मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी कटघर शैलजा मिश्रा को सौंपी है। देखिए, मीडिया के माध्यम से एक एसएसआई जो कटघर हैं उनके विरुद्ध एक अनोनिमस के लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा जो वहाँ पे महिला स्टाफ है उसके साथ में कुछ उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। और एक उसमें एक चैट भी प्राप्त हुई है जिसमें कि उनका जो नंबर है वो शो हो रहा है, और जो लेटर है वो अनोनिमस है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो आरोपी सब इंस्पेक्टर हैं उनको मेरे द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है, और इसकी जो जांच है वो हमारी जो महिला डिप्टी एसपी हैं सीओ उनको दी गई है, और इसमें जो भी जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इनमें आगे की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो इसमें शीघ्र की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की मुरादाबाद जिला इकाई ने मणिपुर सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को पार्टी नेता व कार्यकर्ता अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और मणिपुर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमबी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे मैत्री समुदाय की एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग को संज्ञान में रखते हुए केंद्र सरकार को सुझाव भेजें। इसके बाद से भड़की हिंसा में करीब 100 से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और देश की अखंडता के समक्ष खतरे का माहौल व्याप्त हो गया है, जबकि यह सर्वविदित है कि एससी और एसटी श्रेणीकरण का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को है। मुरादाबाद में थाना पाकवाड़ा पहुंची एक महिला ने पाकवाड़ा इलाके में ही निकाह कराने वाले एक मौलाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि मुमताज नाम के मौलाना ने उनके पति का एक दूसरी महिला के साथ फर्जी निकाहनामा बनाकर उसका इस्तेमाल न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे में किया है, जिस कारण महिला और उसके परिवार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि मुमताज नाम के मौलाना ने और भी कई फर्जी निकाहनामा बनाकर उनका गलत इस्तेमाल किया है। थाना पाकवाड़ा पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुमताज नाम के मौलाना के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहाँ पे थाना पाकवाड़ा में कंप्लेन की गई थी कि एक मुमताज नाम के व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी निकाहनामा बनाया गया था और उसको उनके जो पति है उनके खिलाफ किसी अन्य महिला के द्वारा कोर्ट में उसका इस्तेमाल किया गया था। इस पर उनके द्वारा जो कंप्लेन की गई उसमें 420 आईपीसी के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जाँच की जा रही है, और उसमें ये भी बताया गया है कि उनके द्वारा और भी इस तरह के जो निकाहनामे हैं वो बनाए गए हैं। इसकी जांच थाना प्रभारी के द्वारा इसमें की जा रही है और इसमें से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी पे आगे किस में कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को मंडी समिति में फल सब्जी विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले सब्जी मंडी के सभी व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सब्जी व्यापारियों ने सब्जी मंडी की खराब सफाई व्यवस्था, खस्ता हाल सड़कें, कैंटीन ठेकेदार द्वारा अवैध ठेले आदि के लगवाने से लगने वाले जाम आदि की समस्या के विरोध में समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। सब्जी फल विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रतीम सिंह सैनी ने बताया कि मंडी में करीब 350 सब्जी व्यापारी हैं। प्रति व्यापारी से करीब 25 से 30 हजार टैक्स मंडी को देते हैं। सभी कारोबारी पिछले एक दशक से अधिक समय से मंडी में व्याप्त समस्याओं से जूझ रहे हैं। दर्जनों बार पत्र देकर समस्या समाधान की मांग की जा रही है। चूंकि सुनवाई न होने के कारण व्यापारियों को आज हड़ताल करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। धरना था मंडी समिति में, यहाँ के आरोपियों द्वारा एक धरना यहाँ दिया गया है। मंडी समिति में सफाई व्यवस्था को लेकर, यहाँ के बारिश में जल भराव हो जाता है उसको लेके यहाँ प्रॉब्लम है, बाउंड्री वॉल की समस्या है। उनकी समस्या जो भी है वो ठीक समस्या है, उस पर काम होना चाहिए। तो मैंने डीएम साहब से इस बारे में बात की है, एडीएम सिटी साहब यहाँ मौजूद है, तो ठीक उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए रोटरी क्लब मुरादाबाद समर्पण के पदाधिकारियों द्वारा जिला न्यायालय परिसर में एक जलशाला का निर्माण कराया गया। न्यायालय परिसर में लगे जलशाला से प्रतिदिन अनेकों अधिवक्ता गणवादी एवं प्रतिवादीगण, कर्मचारीगण और आम जनता लाभान्वित होंगी। रोटरी क्लब मुरादाबाद समर्पण द्वारा 15 दिन पूर्व इस कार्य को शुरू कराया गया था।
जिसका आज लोकार्पण जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार के कर कमलों द्वारा संपन्न कराया गया। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने विधिवत पूजन किया तथा उसके बाद फीता काट कर जलशाला का उद्घाटन किया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि इस जलशाला में शीतल एवं फिल्टर युक्त जल की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर रोटेरियन अंजलि शर्मा, रोटेरियन अनामिका भारद्वाज, रोटेरियन राजीव गुप्ता, कृष्ण अवतार सक्सेना, राम अवतार शर्मा, सुबोध भारद्वाज, पंकज अग्रवाल सहित अनेक क्लब के सदस्य वादे अधिवक्तागण मौजूद थे। आज कचहरी परिसर में रोटरी क्लब समर्पण के द्वारा एक रोटरी जलशाला का निर्माण करवाया गया था, जिसका शिलान्यास डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से यहाँ पर हम ठंडे शीतल जल और फिल्टर युक्त, जिसमें फिल्टर भी लगाया गया है, इससे सब लोगों को लाभान्वित, सबको लाभ मिलेगा। और जो गर्मी के मौसम में जो अक्सर यहाँ पर दिक्कत रहती थी, और बराबर में ही मंदिर है, मंदिर में जो लोग आते थे उन अक्सर भंडारा होता था, तो उनको भी आवश्यकता थी, तो उन सभी की जो पेयजल की समस्या का समाधान होगा। भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर आनंदपुर निवासी महावीर सिंह प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। गांव के ही अयूब पुत्र मोहम्मद जफर, नाजिम पुत्र मोहम्मद जफर अहमदपुर आनंदपुर थाना भोजपुर मरादाबाद द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट कर पुलिस ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मुरादाबाद के थाना डिलारी के शिवपुरी निवासी ब्रजपाल सिंह ने बुधवार को DIG को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि गांव के यूसुफ अली, शाने आलम और आरिफ अली उनके बेटे आशीष को लगभग 3 माह पूर्व पेट्रोल पंप पर नौकरी दिलाने के नाम पर चेन्नई ले गए थे। वहां 3 महीने तक काम कराने के बाद इन लोगों ने उनके पुत्र को बुरी तरह टॉर्चर किया और 5 जून को मारकर तिरुथा रेलवे लाइन चेन्नई में ही रेल लाइन पर मारकर डाल दिया। उसके बाद से वह कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और सब खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। अतः सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। मेरे इकलौता पुत्र था जो किसके कहते हैं गांव के भी कहते हैं, कुछ ठेकेदार उसको ले गए थे बहला बुचलाकर काम करने के लिए, और वहां पर जाके मेरे लड़के की मर्डर कर दिया उन लोगों ने। मेरे इकलौता ही पुत्र था और मेरे जिसमें ये 2 बेटियां हैं और मेरा जो हस्बैंड है वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर 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 पेट पालते हैं जी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, ठीक है, मेरे इकलौता ही पुत्र था, बताइए अब मैं क्या करूँगी, कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, मेरे पास 2 बेटियां हैं। तहसील बिलारी के थाना सोनकपुर के गांव उमरा सिरसी पोस्ट निवासी मोमिन की तहरीर पर इंस्पेक्टर थाना सोनकपुर ने आला अधिकारियों के आदेश पर कोलकाता के भारतीय सेना AOC रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात सुरेंद्र सिंह, रेजिमेंट के ही डॉक्टर हरप्रीत सहित 2 अन्य लोगों, उपेंद्र कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 11 लाख की ठगी और धोखाधड़ी की धाराओं के साथ अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित से नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए हड़प लिए और उसे फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। मुरादाबाद के करूला क्षेत्र स्थित दारुल उलूम सदरुल अफाजिल में आज 2 रोजा सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम के संस्थापक अल्लामा मौलाना अफजलुल कादरी की देखरेख में मुनाकिद की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद बुजुर्गों की सीरत बयां करना और मुसलमानों में इल्मे दिन और दुनिया हासिल करने के लिए बेदारी पैदा करना था। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए शत्रुलाफा जिला हजरत अल्लामा मौलाना मुफस्सिर सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी की सीरत बयां की गई और आपकी अदबी और इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के कोने कोने से आए उलेमा ने शिरकत की और अपनी इल्मी और इस्लाही तकरीर से आवाम की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में मौलाना फजलपुर रहमान के नातिया दीवान का इजरा किया गया और मदरसे से फारिग तलबा की दस्तारबंदी भी की गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब नईमी ने की और मौलाना यूसुफ रजा रुद्रपुरी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। नवागढ़ DIG रेंज मुहिराज ने आने वाले 58 दिवस के कावड़ यात्रा के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर स्पेशल प्लान तैयार किया है। DIG रेंज मुनिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कावड़ यात्रा 58 दिन चलेगी। कावड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरी रेंज में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। कावड़ यात्रा वाले रूट पर जगह जगह इंटरनेट से कनेक्ट CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे लाइव कावड़ यात्रा के रूट पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही हर जनपद की कंट्रोल रूम को इन ऑनलाइन कैमरों का एक्सेस देकर वहां से भी इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। DIG ने बताया कि रेंज के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में पुलिस सक्षम रहे और आपात स्थिति में समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। अब हम लोग सभी जनपद का SSP से मैंने मीटिंग कराया। मीटिंग करने के बाद सभी लोग ने एक तैयारी किया, इस बार सभी कावड़ का रास्ता में CCTV कैमरा
लगाएंगे और उस पर कुछ आईपी बेस्ड कैमरा भी रहेगी, वो कंट्रोल रूम का माध्यम से हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा एग्जांपल बिजनौर का हरिद्वार बॉर्डर से अपना पूरा हर जनपद बिजनौर संभल हमरोगा और इधर मुरादाबाद सभी रास्ता में कैमरा विभिन्न अलग अलग चौराहे पर लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी, उनका मूवमेंट देखते रहेंगे, उनके करोड़ को देखते रहेंगे और मिश्रित आबादी में भी उनके उसके कैमराज का प्रयोग करेंगे, हर जगह कैमरा के माध्यम से निगरानी रखेंगे, उस पर उनका स्मूथ मूवमेंट और कोई भी खुराफाती कोशिश करने की कोशिश कर उसके भी निगरानी हमको आसान से पता चल जाएगी। इसका हर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनी है, सब कंट्रोल बने, उसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उसके साथ हम रेंज स्तर पर भी उसका कुछ कैमराज के इंपॉर्टेंट सेंसिटिव प्लेस के कैमरा हमारे रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम बनेगा, उसके भी हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने और एक चीज़ नया चीज़ शुरू किया है, जो विभिन्न जनपद से निकलना वाला जत्था है वो अपना गाँव से निकलते समय उनका जो जत्था से जाना वाला सभी लोग का श्रद्धांजलि का आईडी कार्ड देंगे और उनका मोबाइल नंबर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे और उनका मूवमेंट भी ट्रैक करते रहेंगे। जब उन्होंने पानी जो गंगा जल उठा के अपना जनपद वापस आने तक उनका पूरा मूवमेंट वापस का निगरानी रखेंगे, उनके कहीं भी रास्ते में कोई दिक्कत हो और वो जब भी हमारा जनपद हर जनपद में मॉनिटरिंग निकल पास करते समय उनका आगे पीछे गाड़ी लगा के पास करवाएंगे। इस तरह के दो चीज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरा जनपद में सभी जनपदों से मीटिंग हो गया, अब इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगा, ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान बना दिया और ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान भी अच्छे तरीके बनाया हम लोगों ने, जो कावड़िया के लिए अलग रूट और जो भारी वाहन के लिए डाइवर्सन के लिए अलग रूट और नॉर्मल व्हीकल्स के लिए अलग रूट बनाया और उसके भी हम लोगों ने एक्सचेंज कर दिया एक दूसरा से और पड़ोसी राज्य का से भी मीटिंग कई बार हो चुका है और साथ साथ अदर इंटर डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग मीटिंग हो चुका है। लगातार सीनियर ऑफिसर के माध्यम से निर्देश दे दिया हम लोगों ने, उसके एनफोर्स करेंगे हम लोग, 4 तारीख से लगातार हम लोग इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, इस साल सावन अच्छी तरीके हम लोग निपटाएंगे।